बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बहुत सालों पहले की बात है कि बांग्लादेश की हॉकी की टीम पाकिस्तान आई थी। उस ज़माने में पाकिस्तान में समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, इस्लाहुद्दीन, हनीफ खान, हसन सरदार, इन सब की तूती बोलता था और पाकिस्तान जो है दुनिया की टॉप हॉकी की टीमों में उसका शुमार होता था। तो बांग्लादेश की टीम को पता नहीं किस ने बुला लिया और वो किस चक्कर में आ गए। तो एक घंटे का या उससे थोड़े से ज़्यादा का खेल हुआ, उसके अंदर 17 गोल पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर किए। और उसके बाद फिर बांग्लादेश की हॉकी टीम के कप्तान का इंटरव्यू किया एक टेलीविजन चैनल ने, तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार ये कह रहा था कि हमें किस जुल्म की सज़ा दी गई थी, हमसे क्या गलती हो गई कि हमारे साथ ये किया इन्होंने। और उसके बाद हुआ ये कि जब वो वापस बांग्लादेश गया तो उसने हॉकी को छोड़ करके अपना कारोबार शुरू कर दिया और अब वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। इस वाकये को बताने का मकसद ये है कि जो कुछ बांग्लादेश की टीम के साथ पाकिस्तान की हॉकी टीम ने किया था, आज इंग्लिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ किया। लेकिन उनमें गैरत थी, उनमें हया थी, उनमें शर्म थी। उन्होंने ना सिर्फ हॉकी को खैर बात किया बल्कि गुमनामी की ज़िंदगी को तरजीह देते हुए अपने चेहरों पर से बेशर्मी की मुस्कुराहट को गायब करते हुए अपनी तकलीफ को दिलों में बसाते हुए और अपने मुल्क के परचम की बदनामी को अपनी बदनामी समझते हुए उन्होंने क्रिकेट से ही हॉकी से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। हमारे यहाँ अगर पिछले साल वर्ल्ड कप के मौके के बाद जब पाकिस्तान टीम वापस आई थी और इन बाबर आजम से यह पूछा जाता या रमीज राजा से या पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ से या पीसीबी की इंतजामिया से कि पाकिस्तान 4 छक्के क्यों खाया टिम पेन से, पाकिस्तान क्यों नहीं सेमीफाइनल जीता, पाकिस्तान क्यों नहीं फाइनल खेला, क्यों नहीं पाकिस्तान फाइनल जीता, तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। क्योंकि ना तो आपके पास कप्तान है, ना आपके पास कोचिंग स्टाफ है, ना आपके पास क्रिकेट का कोई दिमाग है। अब पिछले दिनों भी मैं यही बात कर रहा था कि बाबर आजम कप्तान नहीं है, सकलैन मुश्ताक कोच नहीं है, मोहम्मद यूसुफ की कोचिंग की कोई सलाहियत नहीं है। मेरे प्यारे भाई, 500 से ज्यादा रन इंग्लैंड की टीम 75 ओवर में बना लेती है और आप वहां बैठ करके हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हो, आप बैठ करके वहां पर जनाब दुनिया भर की तावीलें पेश करते हो। यार ये तो क्लब क्रिकेट भी समझ जाती कि अगर बैट्समैन इस तरह के मूड में है तो आप खुद सोचें कि आओ मैं विकेट बाय करता हूं। कप्तान में इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आपने तो कप्तान हाथ साथ ही बनाया हुआ है और वो कप्तान जिससे कोई सवाल नहीं कर सकता, वो पीसीबी की इंतजामिया जिससे कोई सवाल नहीं कर सकती, जो पाकिस्तान की नाक कटवाते रहे और आकर बेहिसों की तरह वजीर आजम हाउस में उनके एजाज में इस्तकबालिए हो। ये सब कुछ तो आपके जब होगा तो फिर कैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम 500 रन नहीं खाएगी। वही बॉलर है जो T20 में गेंद करता है, हारिस रऊफ वही बॉलर वनडे में करेगा, वही टेस्ट मैच में करेगा। 4 ओवर के बॉलर से 40 ओवर आप कराएंगे तो उसकी कमर और पट्टा तो बैठेगा ना। यही कुछ आपने शाहीन आफरीदी के साथ किया कि कहां भी पाकिस्तान खेले शाहीन आफरीदी जरूर खेलेगा, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक चीज है और वो आपकी तनख्वाह का चेक है, क्योंकि वो आपको हराम का मिलता है और आपको हराम खाने की आदत पड़ गई है। कहानी ये है। तो जब 500 रन बन रहे हैं तो भाई हारिस रऊफ या कोई नसीम शाह या कोई आपका मोहम्मद अली साहब या कोई और बॉलर एक प्लान के तहत विकेट खरीदने की कोशिश करें। मैं 2-3 मुझ जैसे तालिब इल्म आपको बता सकते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे करना शुरू कर दो, भेको 5वें स्टंप के पे, 6ठे स्टंप पे, 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5वें ओवर में बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होगा और उल्टा सीधा शॉट खेलेगा। यह भी समझ में नहीं आती, शॉर्ट पिच गेंदे करना शुरू कर दो, फाइन लेग ले लो, स्क्वायर लेग ले लो, मिड विकेट ले लो, 4 छक्के खा लो, 5वें छक्के पे कैच हो जाएगा बैट्समैन। ये भी समझ में नहीं आती तो चलो भैया बॉलिंग चेंज जो है वो दूसरे अंदाज से कर लो, अनयूजुअल बॉलर्स को लगा दो, अनयूजुअल फील्ड प्लेसमेंट कर दो, बॉलर से कहो विकेट की एक तरफ गेंद करें। ये सब बातें अगर बाबर को नहीं आती, जो नहीं आती, सकलैन मुश्ताक साहब तो सैकड़ों वनडेज खेल चुके हैं, सैकड़ों टेस्ट मैच खेल चुके हैं और अपने आप को माजी का अजीम खिलाड़ी कहते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब पता नहीं क्या क्या अपने आप को एशियन ब्रेडमैन और ये वो सब कुछ कहलवाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर पाकिस्तान की इज्जत से ही खेलना है ना तो ऐसा करो वजीर आजम हाउस में जाके बैठ जाओ, ऐसा करो वफाकी काबीना में बैठ जाओ, क्योंकि वो लोग भी 7 महीने से यही कर रहे हैं। तुम वहां पर बहुत अच्छी तरह अपने तमाम के तमाम इरादों को कामयाबी का सेहरा पहना सकते हो। तो ये कुछ आपसे बातें करनी थी। वो तो शुक्र करो 75 ओवर थे, अगर 90 ओवर होते तो 650 रन बन जाते और कल 1000 रन भी बन जाएंगे और फिर मुझे बांग्लादेश का वही कप्तान याद आएगा कि रोते हुए कि भाई हमने क्या किया था। तो अगर थोड़ी सी भी शर्म है बाबर आजम में तो खुदारा बाबर आजम थोड़ी सी हया करो और इस्तीफा दे दो, कह दो कि मुझे कप्तानी नहीं आती,
क्योंकि ये जो बैठे हुए ना, ये सब के सब, इनमें अकल नहीं है कि तुमको कप्तानी से हटाए, क्योंकि उनके पास कोई और नेमुल बदल नहीं है तुम्हारा। उन्होंने तलाशी नहीं किया क्योंकि उनके अंदर उतनी अकल ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं है। वो पैसे सिर्फ इस बात के लेते हैं कि वो ओहदे पे बैठे हुए और फला आदमी को जानते हैं, उनके वसीले हैं, उनके वास्ते हैं, उनकी दोस्तियां, उनकी रिश्तेदारियां हैं, इसलिए वो ओहदों पे बैठे। और माजी में अगर कभी दो चार विकटें और दो चार रन उन्होंने बना लिए थे तो आज तक हमारे सरों के ऊपर बैठ के नाच रहे हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।